हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप करते हैं तुम सारे वधिया होगे। तो आज हैगा साडा नैनीताल च डे टू एंड असी जा रहे हैं, हुण रेडी हो गए हैं ते हुण जान लगे हैं किते। ते रूम दी हालत तुसी देख दिखाना तुहानूं किदां हो रखी है। पहले तो वधिया हुंदा सी, हुण तगड़ा ही हो गया एकदम। तो बाहरों की व्यू दिखाने हैं ते असी फिर फटाफट चलते हैं गड्डी च। तो फिर इतों निकलते हैं अगे भीमताल की तरफ। तो होर जो भी इतने लोकेशन ने भीमताल के नेड़े तेड़े सारिया एक्सप्लोर करते हैं, तुहानूं दिखाते हैं, मिलते हैं फिर अगे। चलो देख सकते हो साडे रूम की हालत कुछ इदा हो चुकी है। चलो त्या कल लिया अपना छाता क्योंकि इतने बहुत बारिश हो रही है। तो हम आप जा रहे थले, फिर मिलते हैं अगे। चलो 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 चलो। अच्छा लॉक रह गया लगाना, देख रहे हो कि मुश्किल हो चुके एक हाथ न लॉक लगा। अपनी राम प्यारी है खड़ी है, देखो ऐदा लगा रखी है, वो भी फुल टू टलान ते। ते ऐ दा व्यू है, ते ओ उत्थों आए हां सी। बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट वेदर हो रहा है और असि फाइनली लाइक रूम तो निकल चुके हैं। ते लोकेशन साडी 56 मिनट लगनगे सानू पहुंचन ते भीमताल। देन असि देखते हैं असि किथे जावांगे उस तो बाद। अब बापू गांधी चल आई सोचिया सी कि स्कूटी ले लिए, बट ना वेदर इत्थे हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाएगी। ते उस करके असि फिर डिसाइड कीता कि गड्डी ही ले जाइए, बिकॉज़ फिर वही है कि जे असी बस वगैरह तो आए होंगे तो होंगे कि हाँ भी चलो ले लो स्कूटी। हुण गड्डी ते आए हाँ, तो जिन्ना असी रेंट पे करना है उन्ना आप गड्डी च फ्यूल ऐड करता, तो गड्डी ते घूमो नाले, बारिश की कोई टेंशन नहीं। छाता हमने ले लिया आपको, छाता नहीं तो वही है मेरे को छाता पकड़ना पड़ा, बैग पकड़ना पड़ा। हाँ, वो बड़ी दिक्कत रहती है, बड़ी दिक्कत रहती है। जो बंदा फैमिली नाल आया हो फिर अलग गल है, फिर तो गड्डी लेके जानी पैंदी है। इट्स बेस्ट टू लाइक बिकॉज़ कार इज अ कार। ते आपा चल रहे हैं भीमताल की तरफ, रास्ते च कुछ दिखेगा तो दिखावांगे, ते मिलते हैं फिर आगे। ते वैसे भी इथे वेदर ऐदा दा है, 2 मिनट च धूप हो जाएगी ते 2 मिनट जस्ट बाद ही ऐदा क्लाउड्स इथे हो जाएंगे, जिवें 2 मिनट पहले कुछ सीगा ही नहीं, धूप वगैरह दा नामो निशान ही नहीं रहिंदागा। बहुत ही बदलदा है वेदर हर एक मिनट ते। जनाब दी लुक देख लो, पिंक पग बननी है, फेवरेट फेवरेट। दो बारी एक बारी बनीची नहीं कहंदे, पहली बारी तो है बनीची है, जिवें मैं किते जाना ही नहीं हुंदा, जिवें सिर ते बठल रख्या होवे। हद हो गई, चलो ठीक है मिलदे हां फिर। हाँ जी, वी आर ऑन द वे टू भीमताल। ते रस्ते सानू एक लोकेशन दिखी है, इहदा नाम है द पाइंस। जा रहे हैं देखते हैं की हैगा इत्थे। तो तुहानू भी दिखाने हैं कि इत्थे की मतलब व्यू पॉइंट ही हैगा, तो वह सोहना लग रहा बड़ा, तो देखते हैं तो दिखाने हैं। तो जी इत्थे इन्होंने बहुत ही सोहना सिटिंग अरेंजमेंट एंड छोटा जा पार्क टाइप ही बनया हुआ, तो तुम देख सकते हो इत्थों की व्यू, बहुत ही वधिया ते बहुत ही प्लीजेंट वैदर नाल मध्यम जी धुप होए नज़ारे। हाँ जी, इत्थे व्यू आप पूरा इंजॉय कर लिया, तो आप अपनी डेस्टिनेशन वापस निकल रहे हैं।
ਟੂਵਰਡਸ ਭੀਮਤਾਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਭੀਮਤਾਲ ਤੇ ਪਿਕਸ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਪੀਦੀਪ ਕੁੱਲਰ ਸੇਮ ਆਈਡੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਚ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਭੀਮਤਾਲ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੇਕ ਜਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੋਟੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਤੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੇਕ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दो बंदे करते ना वो तो 600 रुपए बता रहे हो और इसका 550 जाएगा आधे घंटे का 40 मिनट का अच्छा इसका पैडल बोर्ड का और उसका 450 है वहाँ सामने से करके घुमा के इसका 450 कह रहे हो 450 राउंड रहता है हाँ जी तो भीमताल लेक का असि जरा टूर कर रहे हैं गड्डी के थ्रू ही कर रहे हैं नहीं दूर सी ना वड्डी है बहुत लेक ता असी फिर अगे जाना सी थोड़ा जा ते असी गड्डी ते ही घूम रहे हैं नाल नाल इस लेक च हाँ जी तो इतने असी आ गए हैं लेक के जस्ट नाल तुसी देख सकते हो कि इतने गेमिंग जोन भी बनया हुआ है तो आप देखते हैं अंदर गेमिंग जोन वैसे तो बच्चों वास्ते है बट देखते हैं अंदर की सिस्टम है तो किदा किदा सारा कुछ हैगा तो इतने बोटिंग वगैरह कर सकते हो बट मैं पिछले रेट्स वगैरह शेयर किए नहीं तो इतने रेट्स वगैरह हाई ने बट नैनीताल से यह चीज़ तुम नहीं कर सकते है बैलून वाला एक ऑप्शन होंगे इतने अलग है तो नैनीताल से नहीं होंगे सिर्फ इतें ही होंगे तो अदरवाइज़ मैं लग रहा है कि लेक वड्डी है नैनीताल तो बट लेक छोटी है नैनीताल दी लेक तो नैनी लेक तो तुम लेक का पूरा व्यू देख सकते हो तो बहुत ही सोहनी बनी हुई है तो आप हम इस तो बाद चलते हैं अंदर गेमिंग जोन के अंदर हाँ जी तो इतने गेमिंग का भी सारा ऑप्शन है तो ये अंदर तुम सारी गेम्स वगैरह खेल सकते हो मोस्टली बच्चों वास्ते ही ऑप्शन है गेम्स का तो इतने लेक व्यू के नाल गेम्स वगैरह है इतने एयर होकी तो इस तो अलावा जो गेमिंग के प्राइसिस ने वो है 300 रुपीज़ 5 गेम्स तुम प्ले कर सकते हो तो 500 रुपीज़ 10 गेम्स प्ले कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तुम अपने बच्चों लैके आ सकते हो गेम्स वगैरह प्ले करने वास्ते तो आओ इतने खेलो गेम्स वगैरह हाँ जी तो सानू लग गई सी भुख तो असी भीमताल दी लेक नू छड़ के आ गए हैं कुछ खान तो ऑर्डर असी करता सी तो हुण ऑर्डर आ गया तो खा के फिर तुहानू वापस मिलते हैं बैक ऑन भीमताल लेक तो उत्थे एक नवी चीज़ दिखाने हैं तो बाकी इत्थे दा मंदिर भी दिखाने जिहड़ा मेन इत्थे मंदिर हैगा प्राचीन मंदिर मतलब भीम देव का ही हैगा तो वो देखते हैं फिर तुहानू विखाने हैं यह देखो किवें मूँह बना रखे इहनू भुख लगी बहुत ज़्यादा खा लो एवें क्यों मूँह बना रहे हो हाँ जी अपना लंच वगैरह करके आप वधिया मतलब करके अपना आ गए तो हम आप इधर आए हैं अपना प्राचीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल का टैंपल है बहुत ही सोहना तो इतों की वोटर जा रहे हैं जस्ट एंट्रेंस तो ही मतलब नेचर की मतलब ब्यूटी कितनी ही मतलब वधिया लगती है बांध बनया हुआ रिवर बैंक नू बोल सकते हैं आपां इतों पूरा वाटर फ्लोट कर रहा है अपना भीमताल लेक का वाटर फ्लोट करते हुए जा रहे हैं इतों की तो आप इतने पूरा ट्रैक करते हुए जाने तो तुहानू पूरा दिखाते हैं इतों भी बहुत ही सोहना व्यू आ रहा पूरी लेक का तो अगों की गड्डी आ रही थी तो एक्सीडेंट होने वाला सी हाँ जी तो इतने एक्वेरियम कैफे भी बने हुआ है लाइक अंदर तुम जा सकते हो 100 रुपीज़ एंट्री फीस हैगी आई थिंक वो बोटिंग वाले वो इंक्लूड करके ही देंगे बट बोटिंग थोड़ी जी कॉस्टली इतने एज कंपेयर टू नैनीताल नैनीताल लेक
ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਦਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੌਕੁਛੀਆ ਤਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਕਸ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨੌ ਕੁਛੀਆ ਤਾਲ हाँ जी तो एंट्रेंस हैगी मंदिर की मेन जो इतने उतारनिया चप्पल आही मंदिर बनया है पूरा इतने भीमेश्वर महादेव का अंदर आप मत्था टेक आए हैं वैसे बट आप उत्थे वीडियो बनाते नहीं है तुम इतों देख सकते हो अच्छा बने और बताओ सब बढ़िया ये चप्पल 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 खेल चल रहा है एक दूसरे की चप्पल फेंकते हैं फिर ये तैर के लेके आते हैं जिते आ ही सी भीमताल का बस इस तू अलावा आई थिंक इतने और कुछ हैगा नहीं गा ते आपां हुण जा रहे अगे नौ कुछिया ताल दिखाने अगे तुहानू नौ कुछिया ताल लाइक कर सकते हैं अभी बाकी कुछ एक्टिविटीज वगैरह भी उसे देखते हाँ करा बाकी चलते अगे मिलते हैं इतने नौ कुचिया ताल का बहुत ही फेमस से बड़ा ही सोहना हनुमान जी का मंदिर है जिससे हनुमान जी की बनी आई थिंक 60-70 फिट वड्डी मूर्ति बनी हुई है तो वो रस्ते सन देखिया मतलब मैं यूट्यूब देखा सी बट वो रस्ते सन देखिया तो हूँ असं वेखण आए हैं तो तहूँ भी दिखाने तो चलते हैं फिर अगे हाँ जी तो यह बने हुआ है बिल्कुल पहाड़ों के बजरंग बहन श्री हनुमान जी का मंदिर तो है उन्होंने मूर्ति बनी हुई है देखो किन्नी ही प्यारी मतलब थले पूरा इन्होंने पहाड़ों के बिल्कुल 50-60 फिट की है मूर्ति बनी हुई है हनुमान जी की इतों की व्यू दिखाना तू बहुत ही वधिया लग रहा मतलब और मंदिर भी बहुत अच्छा मेनटेनड है साफ सुथरा एकदम व्यू देख सकते एक तो है बिच आ जाते हैं मेरा बहु पूजा सारे शॉट खराब करन ले लो अब तो माया में भी देख अंदर गुफा बना रखी है आज असी फिर तो गुफा के दर्शन करन आए हैं अंदर जा सकते हैं हाँ बोलिए गुफा में प्रसाद चढ़ाना मना है हाँ जी तो आप आ गए इतों की करा दर्शन सब जगह जा सकते हैं बहुत हैवी है हाँ जी तो आ गए आप नौ कुछिया ताल तो इतने ऐसी लेक हैगी इतने सारा सिस्टम है यदा बोट वगैरह इतने बहुत सोहनिया बनिया हुई हैं इदा दी उत्थे नहीं सी नैनीताल तो आप करन जा रहे हैं कयाकिंग करन जा रहे तो कयाकिंग इन्होंने बोली 600 रुपए सी बट अपना तुसी कर लो बार्गेनिंग अकॉर्डिंगली 300 रुपए च भी मन जाते हैं हाँ तो अपने
ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ? ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚੂਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। इसको घुमा के चलो चलो कोई बात नहीं, मैंने पकड़ा हुआ जैकेट पकड़ा हुआ कहीं नहीं जाऊंगा। इसको घुमा के वापस लाना होगा तो कैसे लाएंगे हम सब बताइए आपको टैक्स के लिए। अच्छा हाँ जी छूटे मिल रहे यार अग्गे बैठना थी ना उन्होंने क्या ओनली वन साइड करना है टर्न करना है वन साइड करोगे घूम जाएगा। अच्छा एक साइड करेंगे घूम जाएंगे ठीक है। ब्लैक जैसे बाइक का हैंडल पकड़ते हैं ऊपर से आगे जाने के लिए पानी पीछे खींचता दोनों साइड पीछे आने के लिए दोनों साइड आगे ठीक है। टर्न करने के लिए वन साइड आप नहीं भी करोगे भैया करेंगे तब भी चलेगा थोड़ा ऐसे इधर से हाँ जी कितना फिर बहुत डर लग रहा है यार मेरे को बहुत डर लग रहा है। ऐसी कर रहे हैं कि आगिंग ते दीप डर रही है बहुत ज्यादा यार अगे उनको आता है अगे उन्हें बिठाया वो कह रहा है जिन्हें ज्यादा चलानी है वो पीछे बैठे जिन्हें कट चलानी है वो अगे बैठे। अबे मैं ही चला लेंगे तुझे बांधे तो पीछे ना थोड़े को तो चल गई दिखाना है की कर रही है। हाँ पंजाबी नहीं समझ आती है नू देखो भाई असि सेंटर च है एकदम एकदम सेंटर च। हाँ इधर देखो मैं चला ही नहीं रहा अजे इधर देखो मैं हाँ जी ते आपा कयाकिंग कराई है इतों की 600 रुपये मंगते सी ते 300 विच गल कीती है ते नौ कुचिया ताल ही करो आके इत्थे थोड़ी जी बार्गनिंग हो जाती है अदरवाइज जे तुसी करदे हो नैनीताल उत्थे फिक्स है प्राइस भीमताल भी प्राइस फिक्स है फिक्स की है भीमताल ज़्यादा किड़किड़ करते हैं बाकी नौ कुचिया ताल थोड़े रेट रुट हो जाते हैं वधिया ते इत्थे आओ करो ते नज़ारे देखो बहुत ही बेहतरीन नॉलेज दे नाल नाल नज़ारे भी देखो ते मेरी जिंदगी की नाव और मेरी नाव दोनों दीप ही चला रही है। वाह बहुत बढ़िया उपर रखो तुसी स्लो डाउन कर देंदे हो इदा। चलो ठीक है मिलते हैं हुण अगे असी थोड़ा जिहा इहनू भी इंजॉय कर लिए। बोलो जी हाँ जी किद्दां फिर वधिया क्या हो रही है क्या किंग यार दो ही हां ये पता नहीं किवें दी पोर्ट ये कौन सा ताल है ये नौ कुचिया ताल में बोटिंग कर रहे हैं ते ताल दे विच यार खड़े हो समझ नहीं आ रहा चला चल ही नहीं रही यार पता ही नहीं लगना कुछ पता ही नहीं लगना की तुसी फोन ले जा सकते हो नाल ले जाओ एवें ले जाओ मैं लेके गया हां मसूरी कीती सी। अच्छा और की असि कयाकिंग करके आए हुणे वो कर रहे हैं ना असि भी करके आए हैं ते किदा रहा फिर कयाकिंग वधिया सी इन्ना इनू डर लगदा ओने क्या और घुमा लिया वो कह रहा नहीं बस चलो बहुत हो गया बहुत ज्यादा सी ते बहुत अच्छी लेके आया मतलब बहुत सोहनी ते अच्छी लेके आया अभी ते दीप जा रही है जिपलाइनिंग करन जिपलाइनिंग करेगी या कल्ली उन मैं तो नहीं कर आप करें मैं इन्हों नहीं करनी है इधर से आइए राइट वाला राइट डाल दीजिए इसमें लेफ्ट दीप जा रही है करन जिप लाइनिंग छोड़ दीजिए हैं भैया गिरा दे ओ मतलब गिराना मत जी गिराओ दे ना चलो भैया ढंग से टाइट कर देना ढंग भाई ढंग से टाइट कर दे ते मैं यही तो बोलिया ढंग से टाइट कर देना खुद ही टाइट करे जा रही है उसको डर लगता है इतना इसको सही हो चले जाओगे डर तो नहीं लग रहा रहने दो तुसी थल्ले जाओ थल्ले देख लो की हैगा
शर्म तो नहीं आंदी रहन दो भैया, मत डलवाओ, ये क्या होगा, गिरेगी थोड़ी है, उड़ने लग जाएगी ये हवा में। अच्छा ऐसा भी है क्या, टाइट हो गए? डेढ़ किलो वजन है था ये, मसूरी में किया था, बट वहाँ पे इतना नहीं करवाते वो, तो देना चाहिए फिर, गलती उनकी है। हाँ सेफ्टी देंगे उतना करेगा इंसान, नहीं ठीक है। तो ये तो पता है मुझे, रेलिंग बड़ी है तो हाथ काट दे पूरा। थोड़ा इधर आ जाइएगा सर। हाँ हाँ मैं तो क्या जा रहे हैं भैया, तो एकदम ऐसे जा, ओ चौकड़ी लगा ली भैया ने, फोटो लेते हैं, वीडियो हर एक चीज की बनती है। ओ भाई सेकंड स्टेप में खड़े हुई है, फर्स्ट सेकंड फेस मेरी उठेगा, चलो ऊपर। डरना बिल्कुल ज्यादा है, ये कुंडा टूट, भैया कुंडा टूटेगा ना? नहीं टूटेगा, नहीं नहीं टूटना नहीं चाहिए, थोड़ा पीछे चलिएगा, खड़े रहिए अभी आप, एक थंब यहाँ पे लगाइए, दूसरा थंब ऐसे, ठीक है, हाथ छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके बैठिए, आप बैठो बैठो बैठो, लेग फ्री करो, मैंने पकड़ा आपको ये देखो, ठीक है ना, बस हेड अपना वायर से दूर रखना आपको, फेस कैमरे की ओर, ठीक है, लेग सीधे करिए सीधे, और वादियों को देखते हुए आप जा सकते हो, ठीक है। अगर लास्ट में एक या दो फीट पहले स्पीड स्लो हो जाए तो राइट हैंड यूं निकालना, ऐसे वायर पकड़ लेना, ठीक है, स्लो होगा तो भैया जब बोलेंगे वायर पकड़ो तभी पकड़ना, इधर फेस करो, 3, 2, 1 हो गई दीप। हो गई चलो जी, मैं लैके आना, उन्हें उधरों जाना पेगा मैं लैन। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਕੁਚੀਆ ਤਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਆਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਪਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਈ ਜ਼ਿਪਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ? ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਟ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ।